Honorable Chairperson Ma'am, I rise to move that the bill to provide for the processing of digital personal data in a manner that recognizes both the right of individuals to protect their personal data and the need to process such personal data for lawful purposes and for matters connected therewith or incidental thereto as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Motion moved. There are two amendments by Dr. John Brittas and Dr. B. Sivadasan for reference of the Digital Personal Data Protection Bill 2023 as passed by Lok Sabha to a select committee of Rajya Sabha. Members may move the amendment at this stage without any speech. Members absent, amendments not moved. The motion of consideration of the bill is now open for discussion. I now call upon the members whose name have been received for participation in the discussion. Okay. Honorable Chairperson Ma'am, पिछले 9 वर्षों में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया के माध्यम से देश भर में सेवाओं को गरीब से गरीब घर तक पहुंचाने का एक नया आयाम रचा है, आज सारी दुनिया में उसकी चर्चा है। आज अगर हम देखें तो हिंदुस्तान में करीब करीब 90 करोड़ देशवासी हमारे ऐसे हैं जो कि इंटरनेट से जुड़े हैं और प्रैक्टिकली ज़िंदगी के हर पहलू में डिजिटल ट्रांजैक्शंस की मदद से जीवन की सेवाएं ले रहे हैं। और इसके पीछे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत ही दूरदर्शी सोच है। ऐसी परिस्थितियों में जहां डिजिटल हमारी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है, उसमें पर्सनल डेटा और विशेषकर डिजिटल पर्सनल डेटा, उसको सुरक्षित रखने के लिए आज ये बिल लेके आए हैं। आज अगर बहुत अच्छा होता कि विपक्ष के हमारे साथी भी 140 करोड़ देशवासियों को जो एक अधिकार दिया जा रहा है, उस अधिकार के देने के सहभागी बनते, लेकिन विपक्ष को आज तक कभी भी हमारे देशवासियों के अधिकारों के प्रति कोई सजगता नहीं थी, वो आज भी इन खाली बेंचों से क्लियर दिखाई देता है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो आज इतने सिंसियरली प्रेजेंट है और देश के 140 करोड़ देशवासियों को ये अधिकार देने में इस सदन के माध्यम से एक बहुत बड़ा उपयोगी काम कर रहे हैं। सभापति महोदया, मैं बहुत शॉर्ट में इस बिल के बारे में सदन के समक्ष रखूंगा। सबसे पहले इस बिल के लिए कंसल्टेशन बहुत हुआ है। पिछले करीब करीब 6 वर्षों से इस बिल के ऊपर काम चल रहा था। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी, कमेटी ने कई 100 से अधिक मीटिंग्स की, 48 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कंसल्टेशन हुआ, 39 मिनिस्ट्रीज के साथ कंसल्टेशन हुआ, करीब करीब 24,000 कमेंट्स आए और उसके बाद में डिटेल्ड कंसल्टेशन के बाद में ये बिल सदन के समक्ष लाए। सभापति महोदया, इस बिल में जितने भी साधारण नागरिक जो डिजिटल सेवाएं उपयोग करते हैं उन सबको नए अधिकार दिए गए, और जो भी संस्था किसी भी व्यक्ति के डेटा को लेती है, उपयोग करती है, उसके ऊपर बहुत सारे ऑब्लिगेशंस डाले गए। उन ऑब्लिगेशंस के बारे में आपके समक्ष रखूंगा। सबसे पहले, किसी भी नागरिक का डेटा अगर कोई संस्था लेती है, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई भी हो, सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी चलेगा कि जो भी डेटा ले उसका उपयोग केवल कानून के अनुसार हो सकता है। दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ पर्पस लिमिटेशन, यानी जिस उद्देश्य के लिए ले उसी उद्देश्य के लिए उपयोग में ले सकते हैं। तीसरा, प्रिंसिपल ऑफ डेटा मिनिमाइजेशन, यानी जितना चाहिए उतना ही डेटा ले। चौथा, प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी, यानी अगर डेटा में कोई करेक्शन करना है, कोई चेंज करना है, तो वो नागरिक को अधिकार है। पांचवा, प्रिंसिपल ऑफ स्टोरेज लिमिटेशन, कि जब तक उद्देश्य की पूर्ति हो, जब तक रिक्वायरमेंट हो तभी तक स्टोर करें, उसके बाद में उसको डिलीट करें। छठा, प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल सेफगार्ड्स, यानी पर्सनल डेटा को सिक्योर रखने के लिए जितने रीजनेबल सेफगार्ड्स लेने चाहिए
वो सब सेफगार्ड्स लिए जाए। सातवां प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यानी जिस भी संस्था ने, जिस एंटिटी ने डेटा लिया है, उनकी जिम्मेदारी है कि इस कानून के तहत जो अधिकार दिए गए, उन अधिकारों के साथ में नागरिकों की डेटा की सुरक्षा करें। सभापति महोदया, नागरिकों को चार अधिकार दिए गए, राइट टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन, अपनी पर्सनल डेटा के बारे में कि क्या डेटा लिया गया उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे सके। सेकेंड, राइट टू करेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा एंड राइट टू इरेजर, यानी अगर कोई व्यक्ति चाहे कि मेरा डेटा नहीं होना चाहिए सोशल मीडिया पे, तो राइट टू इरेजर है, इसको राइट टू फॉरगॉटन भी बोलते हैं कई ज्योग्राफीज में। राइट ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को कोई शिकायत हो तो उसका एक बहुत अच्छे तरीके से माध्यम बनाया गया है। एंड राइट टू नॉमिनेट इन केस ऑफ डेथ एंड इनकैपेसिटी। सभापति महोदया, इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत ही एक अच्छा सिस्टम बनाया गया है प्रस्तावित इस बिल में। एक इंडिपेंडेंट डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनेगा, जिसकी डिजिटल बाय डिज़ाइन, यानी जो दिल्ली में, बेंगलुरु में, मुंबई में रहने वाले समर्थ नागरिकों को जो सुविधाएं हैं, वही सुविधाएं, वही एक्सेस टू जस्टिस मिले देश के उन क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को भी, जिनके पास इतना सामर्थ्य नहीं है, जिनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सबका साथ सबका विकास की सोच को दर्शाता है। सभापति महोदया, इस बोर्ड में एक्सपर्ट्स रहेंगे जो इस डेटा की फील्ड को समझते हैं, और बोर्ड कानून के द्वारा इंडिपेंडेंट है, कानून के द्वारा इंडिपेंडेंट है। सारे प्रोविजंस जिससे इंडिपेंडेंस गारंटी हो सके, वो कानून में रखी गई है। इस बोर्ड के ऊपर टेलीकॉम डिस्प्यूट्स की जो ट्रिब्यूनल है, TDSAT, उसमें अपील की जा सकती है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। दो बड़े अच्छे लीगल इनोवेशंस रखे गए हैं इस डिजिटल इकोनॉमी को और प्रोत्साहित करने के लिए। पहला है वॉलंटरी अंडरटेकिंग। मान लीजिए किसी से कोई अनजाने में भूल हो गई, तो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास आ जाए और कहे कि हमसे भूल हो गई, ये पेनल्टी है और ये हमने इसमें सुधार किया, तो उस केस में व्यक्ति आगे बढ़े। दूसरा, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बहुत अच्छी एक व्यवस्था रखी गई है, जिससे कोर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ न बढ़े। सभापति महोदया, जैसे आज चेयर में और टेबल पे दोनों जगह हमारी बहनें हैं, मैं बहन कहने का दुस्साहस कर रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, आदरणीय बहन है, उसी भावना से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा मातृशक्ति और मातृवंदना पे बहुत जोर दिया है। ये बिल पहला बिल है जिसमें ही की जगह शी का इस्तेमाल किया गया है, हिस की जगह हर का इस्तेमाल किया गया है, और इसकी विश्व भर में आज चर्चा है कि ये एक जो नारी शक्ति को सम्मान देने का तरीका है, वो सम्मान देने का तरीका दुनिया भर में इसका प्रचलन किया जाए। सभापति महोदया, इस बिल में बहुत ही सरल भाषा में बिल को ड्राफ्ट किया गया है। प्रधानमंत्री जी का हमेशा मार्गदर्शन ये रहा है कि कानून ऐसी भाषा में लिखा जाए जो हमारा सामान्य मानवी भी उसको पढ़े, तो उसको पढ़ के समझ सके, उसका इंटरप्रिटेशन कर सके, उसका उपयोग कर सके। बहुत सारे विषय कई फोरम्स में उठे हैं, शायद आज भी उठेंगे। मैं दो तीन पॉइंट्स को एकदम क्लियर करना चाहता हूँ। पहला, RTI के विषय में एक विषय उठा है मुद्दा, पुट्टास्वामी जजमेंट आने के बाद में राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट बनी है। तो जब फंडामेंटल राइट बनी है, तो उसमें कानून द्वारा प्रदत्त प्रोविजंस के तहत पब्लिकेशन हो सकता है किसी के पर्सनल डेटा का, उसके अलावा और किसी तरीके से पर्सनल इन्फॉर्मेशन को किसी भी पब्लिक फोरम में नहीं रखा जा सकता। इसलिए राइट टू इन्फॉर्मेशन में जो कॉन्ट्रडिक्शन था, उस कॉन्ट्रडिक्शन को इस बिल के माध्यम से दूर किया गया है। लेकिन कानून में, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, जितने हमारे माननीय सांसद महोदय हैं, जितने हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनका जितना पर्सनल डेटा है, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सब चीज़ें जो कानून कहता है रखना चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए, वो अब भी डिस्क्लोज होगा। दूसरा विषय आया कि क्या पुट्टास्वामी जजमेंट के सारे टेस्ट को ये बिल फॉलो करता है। ये पुट्टास्वामी जजमेंट है, बहुत ही भारी भरकम अच्छा जजमेंट है, बहुत बड़ा जजमेंट है और इसकी बड़ी वैल्यू है। इसमें जो तीनों टेस्ट हैं, लीगैलिटी, लेजिटिमेसी एंड प्रोपोर्शनैलिटी,
इन तीनों टेस्ट को इस बिल में बहुत ही क्लियर तरीके से रखा गया। तीसरा, सरकार को जो एग्जेम्पशंस दिए गए, सभापति महोदया आपके समक्ष में रखना चाहूँगा कि दुनिया का जो सबसे स्ट्रिंजेंट बिल है GDPR यूरोप में जो पालन होता है, उसमें सरकारी कामकाज के लिए, कानून की व्यवस्था के लिए और कोर्ट्स की व्यवस्था के लिए 16 एग्जेम्पशन है, 16 एग्जेम्पशंस आर देयर इन दी GDPR। वी हैव गिवन ओनली 4 एग्जेम्पशंस इन दिस बिल। सो दिस बिल इज वेरी प्रो सिटीजन्स, दिस बिल इज वेरी मच प्रो प्राइवेसी, दिस बिल इज वेरी मच इन द स्पिरिट ऑफ द गवर्नमेंट वेयर वी वुड लाइक टू मेक श्योर दैट एवरी सिटीजन्स डेटा इज फुल्ली protected. I request all the honorable members to participate in the debate and pass this bill with unanimous vote. Thank you.